प्यास भी लगी हुई है, छुट्टी का तरला मारता हूँ, चल चल जा। हाँ 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 गुड। नहीं जी, ये टूटी से पानी भी अभी पिया और वाशरूम जा के ना फिर मैं कोई सोने के लिए जगह ढूंढता हूँ। ऊपर तो बड़ी सर्दी है, यहाँ पे तो बंदा मर खप जाएगा। नहीं सोया जाना ऊपर यार। नहीं जी, वाशरूम वाशरूम किधर है, वाशरूम किधर है, वाशरूम वाशरूम। चले अभी ज़रा मैं होके आता हूँ। तो ये तो खड़े होके खड़े होने वाला सिस्टम। एक मिनट जी, ज़रा यहाँ पे मोबाइल और ज़रा गेम गेम पा लवा, फिर बाद में आपको करता। नहीं जी, फ्लाइटें जो हैं वो सारी निकल गई हैं और हमारा वाशरूम भी ओके हो गया। कोई हाथ वाथ धोने वाला ये क्या जी, हवा के लिए है। अच्छा ये पानी के लिए, इसमें से भी पानी आएगा। चल जा समसम, फिर चल वो चल भी है। अच्छा जी, ऑल गेट्स यहाँ से नीचे जाता हूँ, शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए सोने के लिए, क्योंकि ऊपर तो मेरे भाई बहुत सर्दी है और ठंड भी है। ठंड में सोना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। यहाँ भी रामलीला हुआ पड़ा है, कोई ना बंदा ना बंदे की जात, तो मैं कल्ला उत्ते अल्लाह थल्ले कल्ला। बाहर वो बसें बसें भाग दौड़ रही हैं, तो लेकिन एक सर्दी की लहर है। सर्दी जो है वो हर तरफ ही है। मैंने तो सोचा होगा कि नीचे जो है ना वो जगह कोई गर्म होगी, तो वहाँ पे जा कर लेटता हूँ, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि नीचे भी महफूज नहीं है। वहाँ पे थोड़ा सा दरवाज़े के करीब जा कर देखते हैं कि कुछ अगर सिस्टम निज़ाम बने। भूख लगी हुई है, खाने के लिए भी कुछ चाहिए। खाना तो खाना है भाई, खाना तो खाएंगे। ये ए वाले गेट आ गए हैं अभी। ये देखिए जिन्होंने ये वेंडिंग मशीनें लगाई हुई हैं ना, कमाई जो वो करते हैं वो और कोई बंदा नहीं करता। यहाँ पे पानी की छोटी सी बोतल 1.5 यूरो की, कोई खाण नु है जो प्रॉब्लम मेरे वो दे छो जी। वो आधी रात का टाइम है और बाहर जहाज़ खड़े हुए हैं। ये त्रांसा भी आ गया, ये भी त्रांसा भी आ गया, त्रांसा भी है, त्रांसा भी है। बल्कि ये IT है को मेरे ख्याल, पता नहीं अब ये बॉन्ड ब्रिटिश क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, अब मुझे नहीं समझ आ रही। बाहर भी नहीं जा सकते, अंदर भी नहीं रह सकता, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं यार। मुझे नहीं पता था कि आज इतनी परेशानी होगी। जहाज़ वालों की ऐसी की तैसी, उन्होंने जलील करके रख दी आज मुझे। ये सारे गेट, वॉक थ्रू गेट और जाने के लिए। मैं अकेला ही हूँ और ये सफाई वाले, वही बंदा जो मैंने ऊपर देखा था वही नीचे है, वो शापर वगैरह इकट्ठे कर रहा है। स्कूज़ा कौन चे कोल गुना बाकी ना पर काफे को मैं कुछ तो जून ऑन जी ओके। और मैंने उससे भी पूछा है कि जी मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। वो मशीन, वो कहता जी ऊपर नहीं है, सॉरी नीचे कोई भी नहीं है, ऊपर जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर मैं जिधर नीचे आया हूँ, यहाँ पे सोफे तो लगे हुए हैं और इतनी सर्दी भी नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये ऊपर से जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो मेरे लिए ठीक रहेगा। तो यहाँ कुछ सोने का बंदोबस्त करता हूँ, अगर कुछ काम इजी हो गया तो देखते हैं क्या होता है। सर्दी बहुत है यार, सर्दी बहुत है वो मेरे भाई, सर्दी बहुत है।
इधर ही लगाता हूँ तकिया यहाँ पे, और सोने की ट्राई करते हैं जी। जी ये मुझे ज़रा उससे जो है ना वो कंफर्टेबल लग रही है जगह, क्योंकि एक तो यहाँ पे आवाज़ भी इतनी नहीं है और दूसरा सही जो है ना वो सोने के लिए जगह मिल गई। बाकी वो उधर एक और सोफ़ा है उस पर ट्राई करता हूँ, वो इससे शायद थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त है और इस पे सोना थोड़ा सा मुश्किल है। ये ज़रा थोड़ा सा गद्दियों वाला है और निग्गा भी होगा, ये सही है उससे ना। एक तो इसके तकिया भी है, कोई और ला के ना बैग वगैरह रख सकता हूँ, और दूसरा इसके ये बैग पे ये है, ये मुझे थोड़ा सा गर्म रहने में मदद देगी, क्योंकि सर्दी है और सर्दी में बहुत मुश्किल बनेगी। लें जी मैं फिर अभी सोता हूँ, तो सुबह की 10 बजे की फ़्लाइट है मेरी, तब तक के लिए जो है ना वो मैं ये सफ़र अपना जारी रखता हूँ। एक्सपीरियंस यूरोप इन्फो टीवी पे आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। तो ठीक है, मुझे सुबह तक ज़रा इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह नई वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे। अंधेरा हो रहा है, बत्तियाँ वो बंद कर रहे हैं शायद, तो इससे पहले कि सारी बत्तियाँ बंद हो जाएं, सुबह होने का इंतज़ार करते हैं जी। फिर अल्लाह हाफिज़। अच्छा सोने के लिए मैंने एक और जुगाड़ लगाया है, ये दो सोफे थे, एक वो और एक इस तरह का और है, इनको मैंने करीब करीब किया है, उससे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। ये बैक भी है और इस पे मैं थोड़ी सी अपनी टांगें भी लंबी कर सकता हूँ, पर इस पे गिरता भी नहीं है, दोनों तरफ इसके बाजू लगे हुए हैं। इसमें सोते हैं और सो के देखते हैं कि कैसा फील होता है, रात कैसी निकलती है, तो वो वाला भी सोफ़ा ट्राई करते हैं। ये भी नींद तो आ नहीं रही और सर्दी की इंतहा हो गई है, आज सर्दी बहुत है। थोड़ी देर बाद कोई ना कोई टल्ली खड़क जाती है और जहाज कोई ना कोई आ जाता है, सफाई करने वाले सारी रात हो गई, अभी सफाइयाँ कर रहे हैं और निज़ाम बस ऐसे ही बना हुआ है। रात के 3 बज गए हैं और मैं यहाँ पे अभी तक नहीं सोया, और सुबह 10 बजे की फ़्लाइट है, बहुत मुश्किल है। अल्लाह रब्बा कितने फंस गया, फंस गई जान शिकंजे अंदर, जिमें वेलने में चिकन्ना। चलेंगे देखते हैं क्या निज़ाम सीन होता है, कोशिश कर रहा हूँ कि नींद आ जाए, लेकिन नींद भी कहती है कि नहीं नहीं आना। एयरपोर्ट है नापोली वाला, वैसे भी बड़ा बदनाम है यहाँ पे, जो है वो कहते हैं ये 2 नंबर काम बड़े होते हैं, 2 नंबर लाइसेंस बनते हैं, 2 नंबर पासपोर्ट, 2 नंबर सजोरनो, और मेरा ख्याल इसलिए यहाँ पे ज़्यादा सख्ती है, तो नींद तो आ ही जाती है यार, बस क्या करूँ। जुगाड़ वैसे मैंने बड़ा लगाया है सोने वाला, अभी दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे चार्जर लगाया हुआ मोबाइल को साथ, ये दो सोफे जो हैं वो मैंने इकट्ठे किए हैं, पीछे ये चेक इन एरिया सारा, ये इधर भी ये सोफे एयरपोर्ट पे करके, ये सामने बाहर जहाज खड़े हुए। लाएगा चंदू, चंदू तू उत चस लै के सौ रहे हैं, तो मैं एयरपोर्ट पे, मुझे ये खदशा था कि वो पता नहीं बैठेगा जहाज पे या नहीं, लेकिन वो बैठ गया और मैं इधर ही हूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। ले जी अभी जो है ना बोला, खैर काम में हिम्मत होती है,
ऊपर मैं सोया हुआ था और ना वो एक आया बंदा इनका पुलिस वाला, वो शायद दरवाज़े बंद कर रहा था ना, तो दरवाज़े बंद करने आया तो मुझे देख गया, तो तू उत्ते की करता पे उत्ते सौ रहा। मैं उन्होंने कहा जी मैं सौ रहा वहाँ, तो मुझे तो नहीं पता कि क्या निज़ाम है क्या सूरत है। वो कहता है आप अंदर एंटर कैसे हुए? मैंने कहा मैं यहाँ ना 3 बजे का आके बैठा हूँ और 3 बजे से इधर ही हूँ, नहीं गया। वो कहते हैं आपकी फ़्लाइट कब थी? मैंने कहा फ़्लाइट मेरी यार 1-4 बजे थी, और उसके बाद जो है ना वो 11 बजे थी, तो उस पर मैं नहीं निकला। तो वो मुझे साथ लेके आया और सोए हुए को उठा के, तो अभी वो नीचे दरवाजे के पास छोड़ गया, अभी यहाँ पे मुझे ठहरना होगा या बैठना होगा क्या करना है देखते हैं, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो सुबह है, सुबह दोबारा चेक इन होना है, तो बाकी देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। यार कसमें बड़ी चसना सुता सी, वो एक बंदा आया सिक्योरिटी का और मुझे कहता है कि आप यहाँ पे सो रहे हैं, एयरपोर्ट जो है वो तो बंद हो गया है, जाके कहीं 11 बजे का आप अंदर कैसे दाखिल हो गए हैं? तो ये आप ऊपर अभी तक 2 बज गए हैं रात के और आप इधर सो रहे हैं, ये मुमकिन नामुमकिन है। मैं कहा यार मैं 4 बजे तो अंदर बढ़िया हुआ, तेरी मेहरबानी मैंने सोन दे, 2 फ्लैटा मेरी अगर निकल गई, मैं परेशान हूँ, मैं किड़े पास जावा। मतलब तू क्यों नहीं गया? मैं कहा मैं लेट हो गया सी। दूसरे मैंने उंझ नहीं सी चढ़न दिता कि आपके पास जो है ना वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं सोया हुआ, मुझे सोया रहने दें आपकी मेहरबानी। वो मुझे उठा के नीचे ले आया और उसने मुझे 1st फ्लोर पे फेंका। वो कहता है इधर सोए रहो बेशक सारा दिन सारी रात मुश्किल नहीं, लेकिन अंदर जहाँ पे जहाज़ों पे चढ़ते हैं वहाँ पे आप नहीं सो सकते। तो अभी मैं उसके लिए कोई और सोल्यूशन देख रहा हूँ कि फ्लिक्स बस जो है उसके ज़रिए मैं जाऊँ, तो अभी टिकटें देख रहा हूँ कि सस्ती टिकट मुझे किधर से मिलेगी फ्लिक्स बस की, इटली के कौन से शहर से, अभी नापोली से मिलान जाऊँ या नापोली से तुरिनो जाऊँ या बलोनिया जाऊँ या रोमा जाऊँ बाईर, फिर वहाँ से आगे फ्लिक्स बस की टिकट देखूँ, ये क्या है सारा सीन अभी सोच रहा हूँ, कुछ समझ नहीं लग रही मुझे, मैं क्या करूँ, अभी तक सोया भी नहीं हूँ, नींद भी बड़ी आई हुई है, देखते हैं क्या सीन चलता है। इतने मज़े से सोया हुआ था ना वहाँ पे, मैं जो ऊपर वाली बिल्डिंग थी ना, तो इतने मज़े से सोया हुआ था वहाँ मैं ऊपर वाली बिल्डिंग पे ना, तो अभी देखो उसने मुझे उधर से उठाया और वो कहते हैं जी बाहर निकल जाओ, ये एयरपोर्ट के अंदर ही है लेकिन सड़क के किनारे पे है, अभी यहाँ